जी तो व्यूवर, आज फैसल वाडा ने काशिफ अब्बासी के शो में पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया और ऐसी ऐसी बातें कही कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, फिर पे बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, जाहिर है तरीके साहब हर हफ्ते सड़कों पर आती है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, इधर से आगे जाने का रास्ता वाडा साहब क्या है? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले आप लोगों ने काफी देर लगाई उसके अंदर रूथलेस के ऊपर के सियासतदान को रूथलेस नहीं बात करनी चाहिए, लफ्ज यूज नहीं किया। देखिए सियासतदान की आप जब बात करेंगे तो ये बात आपकी एप्लीकेबल है, लेकिन एक एक कोट है जिसके अंदर आप कहते हैं कि वर्थलेस आदमी अगर रूथलेस बात कर रहा है तो वर्थलेस है ना वो एंड। तो फिर वर्थलेस को वर्थलेस रखें और रूथलेस को रूथलेस रखें। वर्थलेस अगर आदमी क्लेम कर रहा है कि आप रूथलेस, बट शी इज चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है, कांट रियली। अच्छा दूसरी चीज ये कि जब आप ऑप्टिक्स पे जाते हैं कि जी आप एक बच्चे के पास चले गए, बुजार टू साहिबा चली गई और कहा बच्चा बच्चा कह रहे हैं, बच्चा मैं नहीं कह रहा, बच्चा कह रहे हैं मैं ग्रामर पढ़ रहा हूं, मेरी ज्योग्राफी, ठीक है, जब ही और शी का आईक्यू नहीं है आपका और 12 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करना दे दिया है तो मेरा कसूर है, आपका कसूर है या उनका कसूर है या इसका कसूर है, किस्मत का कसूर है, बर्दाश्त करें जमहूरियत को, ठीक है। अब आप आ जाए कि छोड़ दे, मैं तो बहुत ही नेगेटिव हूं, यानी किस्मत आवाम की, ठीक है, आप पाकिस्तान की किस्मत, सर मैं आप बहुत नेगेटिव हूं, ठीक है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, आपने सारी चीजें देखी, आप आपका कलम कागज है, 32,000 रुपए एवरेज तनख्वाह है, मैं कह रहा हूं 50,000 रुपए में आप मुझे एक जिंदगी में एक आदमी सुने, एक आदमी जिसकी एक बीवी एक बच्चा एक माँ, बाप मर गया, माँ मर गई, बहन भाई मर गए, दोस्त मर गए, रिश्तेदार मर गए, घर से बाहर निकलना मर गया, सब मर गया, एक पंखा उसको घर में सिर्फ जीने के लिए 32,000 रुपए जिंदगी गुजारने का 50,000 रुपए जिंदगी गुजारने का तरीका बता दे, नंबर वन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब नंबर टू आप आ जाए कि 15 दिन के अंदर जब ये महंगाई आसमान से बातें करेगी डबल हो जाएगी, गरीब की चने छोले नान चाय दूध वूध तो उसकी किस्मत में ही नहीं, उसके बाद आप कैसे वैल्यूट करेंगे? अब आ जाए IMF के ऊपर, IMF आपके पास जैसे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आएगी, 32,000 रुपए में बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पेट्रोल डॉलर, खाना पीना, रोजगार, मुझे मंजूर देना, मैं अपने से होना चाहता हूं, मैं जिस गंदे बदबूदार थर्ड क्लास निजाम को पसंद करना चाहता हूं, जिनको आपने आज चार्ज दे दिया है, वोट से आए हैं, नोट से आए हैं, जिधर से तो थोड़ी सीटें और निकाल लेते तो मियां साहब वजीर आजम बनते, वजीर आजम बनते तो सब ठीक कर देते, उन्होंने तो कहा था, नहीं सुने मेरी बात, आप ही ने सीटें कम दी, 16 महीने भी तो मियां साहब लंदन से फैसले लेते हैं, काशी साहब इन सबको अब सारे सूबों में ना सबकी अपनी गलती आपकी है, ठीक है, सुने सर आपने सीटें पूरी नहीं, काशी साहब देखिए मेरी बात सुने, आपने सारे सूबों में सारे लोगों को जगह दे दी है, ठीक है सर, अब इनकी परफॉर्मेंस एक दफा फिर बस मारा चाहते हैं। देखिए जरदारी साहब ने आइंस्टाइन ऐसे नहीं कहा, आइंस्टाइन कौन था, साइंटिस्ट था, तजर्बे करता था, कभी फेल होता था कभी पास होता था, तो तजर्बे का तो हम चला रहे हैं पाकिस्तान को, पहले भी फेल हो चुके फिर फेल हो चुके, लेकिन फिर आपको जमहूरी पता चाहिए, आपको आपको बहुत शौक जमहूरियत 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 फिर बता ले, जमहूरियत आने तो देकर गवर्नमेंट के अंदर, आप तो जमहूरियत गवर्नमेंट के अंदर चांद पर ही हम गए थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं था जो आज था, तो जो आईन और कानून के चौकीदार ठेकेदार सिपाही वफादार आज आप उनके पास जाएंगे, जी आपने हमें जमहूरी निजाम दिया सादिक और अमीन का, सादिक और अमीन तरीके से आए हुए, 18 में भी आए थे, आज भी आए हैं, 13 में भी आए थे, 2 में भी आए थे, 7 में भी आए थे, केसेस आज तक चल रहे, आप हमें अब जमहूरी निजाम के मजे चखने से बचा ले, हमें हर रोटी सस्ती कर दे, चाय सस्ती कर दे, अदबियात सस्ती कर दे, फिर मार्शल लॉ लगाना चाहते हो? सर मार्शल लॉ हल नहीं है, मैं ये कहता हूं इस गले सड़े मैं पैदा हुआ, भुट्टो साहब का 44 साल बाद फैसला आया, मेरे पैदा होने से पहले पहले जब आपने पहला लफ्ज बोला पता चला भुट्टो साहब अदालती कत्ल हो गए, आज 44 साल के आप मुझे क्या बता रहे, आज आप 6 को 9 और 9 को 6 पढ़ना भूल जाए, अदालती निजाम लिया है, अदल का निजाम लिया है, पाकिस्तान बाय फार आगे चला जाएगा, आप बेल देते हैं तो सामने आपको पोजीशन मिलती है, आप बेल ना दे जेल दे दे और कोई माई का लाल जीप में बिठा के ले जाए तो मैं आप ये सब जीप के आगे आगे खड़े होंगे, बेले आप दे 6 को 6 पड़े, जब जरूरत हो 9 पड़े, जब चाहे अदालती कत्ल करे, जिसका अदालती कत्ल हुआ 44 साल के बाद उस जज का जिक्र आया, उस डिक्टेटर का जिक्र आ रहा है कि वो बड़ा बदतरीन डिक्टेटर था, उस जज का जिक्र आया है, कोई अल्फाज लिखे गए कि सब के बेहूद था जो उस मनसब पे बैठ के कलम से उसने जमहूरी आदमी का कत्ल कर दिया, उसकी पूरी दसल दबा कर दी, एक लफ्ज आया क्यों नहीं आया, अलामती देते कुछ तो देते, अब आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे, पिछले 20 साल से इस मुल्क के अंदर प्राइवेटाइजेशन दी हो रही, 1500 अरब रुपए का हर साल आप नुकसान करते,
हर साल आप नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि गैलरी में तत्व बचती है भाई, तत्व बचती है तो फिर तत्व बचा रहे आ जाओ यार, फिर आप चलाओ, आप चलाओ भाई, आप सबको आता है, हम तो नालायक भी कम में है यार इस मुल्क में। इस निजाम का मसला ये है ना कि इस निजाम को आहिस्ता आहिस्ता सारे निजाम को खराब किया गया ना ये, तो आज का काम है ना। आप दो आप एंकर हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ आगे के मुझसे सवाल करना, शेख साहब से सवाल करना, दो खड़े हो जाएंगे। एक मिनट, आप जो जो निजाम चला रहे अदल और इंसाफ का, क्या संडे के दिन पीटीआई गवर्नमेंट उतारने के लिए तो ऑफिस खुल सकते हैं, प्रिजन बैर आ सकती है, बंदूक की डाली पे 12 बजे तक वोट लेने का कहा जाता, क्यों कहा गया? हमारा जमहूरी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैसल वोडा जो है वो किसी भी पार्टी से जो है वो बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो बातें कहते हैं उनमें से बहुत सारी सच भी होती हैं, बल्कि तकरीबन सारी सच होती हैं। तो इस दफ़ा भी इन्होंने पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया। अब अगर आप लोग देखें तो मरियम नवाज़ जो हैं वो नई नई सीएम बनी है, और शायद उनको यही चाम था कि जी मैं सीएम बनूं। अब वो कर क्या रही हैं कि दूसरों के घरों में जा रही हैं, कभी स्कूलों में जा रही हैं। एक टीचर ने तो वहाँ पे ये भी कह दिया जी कि हमारे जो हमारी बच्चियाँ हैं वो छोटे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, कोई छोटे घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो भाई जो रखता है वो रखता है, आपके कहने या ना कहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कभी किसी के घर में चली जाती हैं, वहाँ पर चारपाई पर बैठ रही हैं, किसी को प्यार कर, मतलब क्या दिखा रही हैं। एक तरफ कह रही जी आई विल बी रूथलेस, मतलब मैं बेरहम हो जाऊंगी, एक तरफ बेरहमी शो कर रही हैं, एक तरफ ये शो कर रही हैं, मतलब दो मुंह वाली छुरी इसको तो कह सकते हैं। तो क्या इस तरह से हुकूमत चलती है कि, और जो इस तरह का मिक्स अचार फिर से बनाया है, मतलब निगरान हुकूमत जो है उसमें से बंदे उतार के इस हुकूमत में लगा दिए हैं, पिछली PDM 2 बना दी है, मिक्स अचार बना दिया, तो फ़र्क क्या है? आप चेहरे तो वही रहे, दिमाग तो वही रहे, असल जिन्होंने मुल्क ठीक करना था उनको जेलों में डाल दिया गया है, उन पर जो है वो कोड़े बरसाए गए हैं, उनके अजीब उनकी पोजीशन हो गई है। तो व्यूअर्स ये इस इन सारे हालात में मुल्क का चलना बहुत मुश्किल है, और लग अब ऐसी रहा है कि फिर से एक नया इलेक्शन आएगा या फिर माशाल्लाह लगेगा, कुछ इस तरफ बात जाती दिखाई दे रही है, या फिर कोई सिद्धार्थी निज़ाम आएगा, क्योंकि ये मिक्स अचार तो नहीं चलने वाला। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।